हेलो गाइस, हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे हमारा सेकंड पार्ट। डेफिनेटली हमने पिछले पार्ट में जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस पिछले पार्ट में हमने जनरल प्रॉपर्टीज और अल्टरनेटल पे स्टॉप किया था। यहाँ से हम कंटिन्यू करने वाले इस पार्ट को। अब आपको यहाँ पे क्या करने वाले, आपको नेक्स्ट पार्ट दिखेगा अल्कलाइन अर्थ मेटल का, जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी है। गाइस आपको पता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो अल्कली मेटल्स के बारे में नहीं पढ़ रहे, डेफिनेटली अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अल्कली मेटल का पार्ट ऑलरेडी हो चुका है, तो वो हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स थे। उसके बाद आने वाले आपके जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, उससे थोड़े कम इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। मतलब सर, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इनकी क्या होगी, इनकी थोड़ी ज्यादा होगी उनके कंपेरिजन में। ओके, उनकी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी काफी ज्यादा थी आपके इस कंपाउंड से, तो इनकी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी थोड़ी कम होगी। ओके, तो डेफिनेटली सर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या होगी, इनकी ज्यादा होगी। ओके, तो पहले बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन निगेटिव अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर स्मॉल बट आर हायर देन द करेस्पॉन्डिंग अल्कलाइन मेटल्स। ओके, जो हमारे अल्कली मेटल्स होते थे, आप जिसको अल्कलाइन भी बोल सकते हो, बेटर रहेगा अल्कली बोलो, ड्यू टू द हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से सर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कंपेयर्ड टू के फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट से, दैट इज कॉल्ड लिथियम सोडियम पोटेशियम, जिनको आपने कहा था। ओके, द सेकंड पॉइंट इज व्हाट, द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या होती है। मैंने आपको पढ़ाया था कि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी जो है, शॉर्टकट याद रखो अपना, शॉर्ट हमने पढ़ा था वहां पे, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी जो होती है वो अपडाउन डाउन क्या होती है गाइस, डिक्रीज होती है। क्या होती है वो, डिक्रीज। वेयर एज इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। तो उसका टर्म हम आगे पढ़ लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे याद रखना है इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या हो रही है, अपडाउन डाउन डिक्रीज हो रही है। मोस्टली हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होगा सर, यहाँ पे बेरिलियम होगा, बाद में मैग्नेशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम और बेरियम। बेरियम आपका एक्चुअली क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। तो आपका आ रहा है नेक्स्ट पॉइंट कौन सा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। तो यहाँ पे क्या होगा सर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी जो होती है वो ऊपर से नीचे बढ़ती है, वो लेफ्ट राइट वो क्या होती है सर, कम होती जाती है। मतलब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में जो है अल्कली मेटल्स, वो ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है कंपेयर टू किसके, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट से आपके। ओके, तो दैट इज सेकेंड ग्रुप का नाम क्या है, आपका पता है आपको सेकेंड ग्रुप का नाम क्या है, दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके, तो उनसे ज्यादा कौन है, अल्कली मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये थोड़े कम इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ओके, दीज आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ड्यू टू द देयर लार्ज साइज एंड कंपेरेटिवली लो आयनाइज एनर्जी। ओके, डेफिनेटली इनकी साइज जो है वो लार्ज है, क्योंकि साइज जो होती है वो लेफ्ट राइट क्या हो रही है, कम कम हो रही है। तो गाइज लार्ज साइज है, तो इनका डिस्टेंस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से क्या है, काफी दूर है। अगर दूर है तो वो इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर लॉस होता है किसी का, तो उस बंदे के ऊपर चार्ज कौन सा आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। आपको पता है जितना बड़ा एटम उतना आसानी से आप क्या निकाल सकते हो, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। ओके, जितना बड़ी साइज होगी उससे आसानी से आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, उतना आसानी से वो एटम क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा जब इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। और जितना आसानी से पॉजिटिव आएगा, उतना ही उसका कैरेक्टर क्या होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। इस टर्म को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं, आपको पता है जिस तरह से क्या है इसका मीनिंग हो रहा है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, वेयर एज इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या होती थी, डिक्रीजेस, बिल्कुल अपोजिट टू इच अदर है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। ओके, आपकी साइज जो होती है एटम की वो बढ़ रही है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियर टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से बढ़ रहा है। अगर वो बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, जितना आसानी से निकालोगे उतना आसानी से क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और उतने ही आसानी से पॉजिटिव कैरी करेगा, तो उतना ही ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर होगा। दैट इज द रीजन सर कि आपके इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव क्या होती है, ऊपर से नीचे बढ़ती है। इज दैट क्लियर गाइज, आई होप सबको समझ में आ रहा है। अगर किसी को कोई छोटा सा भी डाउट होता है, प्लीज आप कमेंट में डाल सकते हो, मैं 100% से इसको क्लियर करूंगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है मेटालिक प्रॉपर्टीज। अगेन गाइस, मेटालिक कैरेक्टर भी वो आप इसको बोल सकते हो। मैंने आपको कहा है कि जितना आसानी से पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, तो उतना ही क्या होता है वो बेटर आपका मेटल होता है। तो सिंपल लॉजिक लग रहा है यहाँ पे, जितना आसानी से अगर वो मेटल पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, उतना ही उसका क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर बेटर होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है सर, मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होगा, अप डाउन इंक्रीज होगा। मेटालिक नेचर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीजिंग एटोमिक साइज, सिंपल लॉजिक है, क्योंकि वो आसानी से पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है। दे आर सिल्वरी व्हाइट मेटल्स, हम जो अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी नेचर देख लो क्या है, सिल्वरी व्हाइट मेटल से आपके सॉफ्ट इन नेचर है, बट एज कंपेयर टू अल्कली मेटल से सॉफ्ट नहीं है गाइस, उसने उनसे डेफिनेटली हार्ड ही हो गए, सॉफ्ट इन नेचर है बट हार्डर देन अल्कली मेटल्स। ओके, आगे दिया भी आपको, हार्डर देन किसके, अल्कली मेटल से, ड्यू टू द स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से सर ये हार्डर होते हैं किसके कंपेरिजन में,
अल्कली मेटल्स के कंपोज में, आपको मालूम है अल्कली मेटल इतने सॉफ्ट है कि वी कैन कट विद द नाइफ ऑल्सो। ओके, आप नाइफ ले लो हाथ में, सामने रख लो अपना क्यूब वो सोडियम का या फिर पोटेशियम का, और उसको आसानी से कट कर सकते हो, इतने सॉफ्ट होते हैं आपके ये अल्कली। लेकिन इतने सॉफ्ट आपके मेटालिक का अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं होते गाइस। ओके, अगर मैं मेटालिक की बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात करूं तो कैसे निकालोगे आप? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय साइज ऑफ द आयन, ये जो फॉर्मूला है ये फंडा आप इजिली लगा सकते हो, इसके थ्रू आप निकाल सकते हो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ। सर ये निकालनी होती है गाइस, जनरली आपको साइज ऑफ द आयन आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है तो। वैसे अभी तक तो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन आता है तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ को आपको इस तरह से इसको कैलकुलेट करना है। अब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो फिक्स होते हैं आपके, कितने होते हैं, दैट इज द अल्कलाइन अर्थ मेटल में दो होते हैं, टू डिवाइड बाय साइज ऑफ द आयन, दैट विल बी डिफरेंट डिफरेंट। ओके, उसको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू से डिवाइड किया जाएगा आपको। तो प्लीज याद रखो, साइज ऑफ द आयन लर्न नहीं करना है, वो आपको गिवन दिया जाएगा। तो ये फॉर्मूला है मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालने का। वैसे अभी तक इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन फिर भी आपको बता दूं मैं, क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं। ओके, सो प्लीज याद रखना, क्वेश्चन जब भी आए इसके ऊपर तो आपको ये फॉर्मूला रेडी करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है आपका, वो है कंडक्टिविटी के ऊपर पॉइंट। तो प्लीज कंडक्टिविटी देख लो क्या है। आपके मेटल है डेफिनेटली दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू लूजली बॉन्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन गाइज। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हाईलाइट करना, टू लूजली बॉन्ड लूजली हेल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, अच्छा आप बोल रहे होंगे कि सर ये तो आपके एस ब्लॉक के अंदर कंप्लीटली पेयर फॉर्मेट में है, तो आपने इसको लूजली कैसे बोल दिया? मैंने बताया था आपको कि आने वाला जो नेक्स्ट ऑर्बिटल है वो कौन सा है, आपका पी है, और आने वाले नेक्स्ट ऑर्बिटल में डी भी होता है। तो ये बंदे क्या करते हैं, जम्प करते हैं, क्योंकि इनको जम्प करना है बैलेंस ही फॉर्म करने के लिए। तो ग्राउंड शूट टू एक्साइटेड स्टेट जम्प करने की वजह से ये क्या हो जाते हैं सर, ये अनपेड हो जाते हैं। और इसी अनपेड का फायदा क्या होता है, लूजली हेल्ड हो जाता है सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। ओके, तो ये दो इलेक्ट्रॉन क्या है आपके, लूजली हेल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, जो कि क्या फॉर्म करते हैं, आपके बॉन्ड फॉर्म करते हैं। इसी वजह से सर इसको एक कंसेप्ट की नजरिए से देखा जाता है, टू लूजली हेल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन के फॉर्मेट में। आई होप सो आपको ये समझ में आ रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट सर, कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए क्या करते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को इजिली कंडक्ट करते हैं। आई होप सो गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज डाउट को मन में रखो मत, सीधा कमेंट में डाल दो, या फिर आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो, मेरा कांटेक्ट नंबर आप सभी के पास होगा, जिनके पास नहीं होगा तो प्लीज आप कमेंट का बॉक्स यूज कर सकते हो। जो भी स्टूडेंट है वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम है। डेफिनेटली इसकी नोट्स आपको आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, बिल्कुल मैं वहां पर डाल दूंगा एस ब्लॉक की नोट्स, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। इन एक्वियस सॉल्यूशन ड्यू टू द सॉल्वेशन, लिसन, इन एक्वियस सॉल्यूशन में सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है सर, सॉल्युबिलिटी होता है। द साइज ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसका मतलब सर अल्कलाइन अर्थ मेटल की आपकी जो साइज होती है सॉल्वेशन में, मतलब हम उसको सोल्यूबल जब करते हैं तब उसकी साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। मतलब क्या सर, आयोनिक मोबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। हेंस कंडक्टिविटी क्या होती है, इसकी इंक्रीज हो जाती है। मतलब सर अगर मैं इसकी ऑर्डर लिखना चाहूँ तो कंडक्टिविटी की एग्जैक्ट ऑर्डर क्या आएगी, तो ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस इस तरह से हो जाएगी सर, आपकी इंक्रीजिंग फॉर्मेट में हो रही है। यहाँ पे बेरिलियम 2+, मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+, स्ट्रोंटियम, क्योंकि सर ये कंडक्टिविटी अल्कलाइन अर्थ मेटल की एक्वियस सॉल्यूशन की ऑर्डर है जो इंक्रीजिंग फॉर्मेट में जा रही है। बेरिलियम 2+ इज द लोवेस्ट एक्वियस सॉल्यूशन कंडक्टिविटी, क्योंकि साइज छोटी है सर, डेफिनेटली मैग्नीशियम उससे ज्यादा होगा, उससे कैल्शियम, ट्रांसियम एंड बेरियम। ये साइज को, ये ऑर्डर को याद रखना आपने गाइस, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप सबको ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं। अगर किसी को भी कोई डाउट है इसके ऊपर तो डेफिनेटली मुझे आप क्वेश्चन कर सकते हो कमेंट्स में, या फिर आप पर्सनली मुझे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। गाइज ये हमने छोटा सा पार्ट बनाया था, हमारा ये सेकेंड पार्ट है अल्कलाइन अर्थ मेटल का। हम यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं।